भारतीय जनता पार्टी सामाजिक प्रतिनिधि बैठक, हमारी अनुसूचित मोर्चे की ये सामाजिक प्रतिनिधि बैठक के रूप में प्रत्येक जिले से हमारे 10-10 कार्यकर्ता ऐसे इनकी सूची बना के आमंत्रित किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं इनके बीच में रखेंगे, आगामी योजनाओं की इनकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारी पार्टी पहले से ही हमारी सोच थी, समाज के अंतिम पायदान के बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली हो, तो मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं उन कामों की जानकारी देना और इन कार्यकर्ताओं के बीच में हम आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा रखेंगे आज की इस बैठक में। भाई साहब, पहले पिछड़ों के सम्मेलन की, आप दलितों के सम्मेलन की, ये जाति गोलबंदी पर बीजेपी इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रही है? जाति गोलबंदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता वाली पार्टी है। सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव के लिए सभी समाज के लोग, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का ये नारा कि हम अंत्योदय की तरफ बढ़ते, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, तो हमारा प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, इसलिए ये जाति नहीं है, सभी समाज को साथ लेके चलने, जोड़ने, उनको विकास की मुख्य धारा में ले चलने के लिए और उनको समाज की अंतिम पंक्ति से आगे लाने के प्रक्रिया में एक ये अपना भारतीय जनता पार्टी संगठन का प्रयास है। यूपी बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले जाति गोलबंदी पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है। अभी पिछले महीने पिछड़ों के जातिवार सम्मेलन करके यूपी बीजेपी ने विपक्षी खेमे में काफ़ी खलबली मचाई थी। उसके बाद अब यूपी बीजेपी की तरफ से दलितों के जातिवार सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव से पहले दलितों के इन सम्मेलनों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी, लखनऊ।